श्री श्री माध भक्ति श्री सिद्धार्थ गोस्वामी महाराज के चरण कमल में अनंत कोटि साष्टांग दंडवत प्रणाम करता हूँ। तत्पश्चात मेरे शिक्षा गुरुपाद पद्म नितिलाभ विष्णु विष्णु पाद अष्टोत्तर शत श्री श्री श्रीमद भक्ति वेदांत श्रील नारायण गोस्वामी महाराज जी के चरणों सरज में श्रद्धा पुष्पांजलि अर्पण करता हूँ। उपस्थित वैष्णव वैष्णवी माता पिता भाई बहन सभी के चरण में मैं यथाशक्ति प्रणाम करता हूँ। हरे कृष्ण। हम लोग गतकल्य श्रवण कर रहे थे कैसे ब्रह्मा जी भगवान की नाभि कमल से जब प्रकट हुए और उन्होंने चारों तरफ में पानी ही पानी देखा। अब उनको पता ही नहीं चला मेरी सृष्टि कहां से हुई। तब उन्होंने ये कमल नाग में हजार साल तक ढूंढते रहे मेरी सृष्टि कहां से हुई। लेकिन जब कुछ पता ही नहीं पड़ा फिर ऊपर आए उन्होंने व्यंजन वर्ण का दो शब्द सुने सोलमा और एकोसमा मतलब त और ये प। भगवान बोले तुम तपस्या करो। जब ब्रह्मा जी तपस्या की तब भगवान बोले ज्ञानमी परम गुह्यम जत विज्ञान समन्वितम सहारह संच तदगंच गृहाणम गदितम मया। तब भगवान ब्रह्मा जी को दिव्य ज्ञान प्रदान करते हैं और बंसी ध्वनि के द्वारा भगवान कृष्ण ब्रह्मा जी के कान में उन्होंने गोपाल मंत्र प्रदान किया। ब्रह्मा जी उसी मंत्र को जप करते हुए ये विश्व ब्रह्मांड को ब्रह्मा जी ने सृष्टि की है। इसलिए ब्रह्मा सर्वप्रथम उन्होंने श्री चतुष्संध को सृष्टि की। बोले देखो बच्चों भगवान का निर्देश है ये संसार का क्रम को बढ़ाओ। बोले पिताजी हम ये संसार में फंसना नहीं चाहते। हम तो चाहते हैं प्रभु का भजन करके भी मस्त रहो आनंद में रहो। तो ब्रह्मा जी बड़ा क्रोध आ गया। बोले भगवान का आदेश है सृष्टि का क्रम बढ़ाओ। पहला सृष्टि है वो कह रहे हम गृहस्थ नहीं करेंगे। तो ब्रह्मा जी को क्रोध आया तो उनको ललाट से श्री रुद्रदेव प्रकट हुए श्री शंकर जी प्रकट हुए। शंकर जी को भी आदेश दिए लेकिन शंकर जी कौन है बोलिए योगी योगी महायोगी श्री शंकर जी। आप कहीं भी शंकर जी की फोटो देखो देखना शंकर जी ध्यान में बैठे हुए होंगे प्रभु के ध्यान में। शंकर जी की भी इच्छा नहीं उनकी इच्छा प्रभु के भजन में मस्त रहो। लेकिन शंकर जी ने देखा अगर पिताजी की आदेश पालन नहीं करेंगे ना फिर पिताजी क्रोध नहीं आ गए। बोले ऐसे काम करो पिताजी अपने आप हमें मना कर दे। फिर शंकर जी जितने भूत पिशाच को सृष्टि करना प्रारंभ हुआ। तब से ब्रह्मा जी बोले ये कोई सृष्टि है जरूरत नहीं ऐसे सृष्टि की ऋषि मत करो। शंकर जी प्रसन्न हो गए। फिर ब्रह्मा जी कर्दम ऋषि को अपना परिचय से सृष्टि की। फिर ब्रह्मा जी 10 संतान सृष्टि करते हैं और श्री मनु और श्री सतरूपा को उन्होंने सृष्टि की। जब सृष्टि की अभी आदेश दिया मनु और सतरूपा को ये सृष्टि का क्रम बढ़ा। बोले सृष्टि करेगा पृथ्वी है ही नहीं। तब ब्रह्मा जी छींके तो उनकी नासिका से एक मच्छर जैसे एक प्राणी सृष्टि हुआ और धीरे धीरे बड़े होते 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 उन्होंने विशाल रूप धारण किया। बोले ये कौन है बोले ये भगवान श्री वराह देव। बोले श्री वराह भगवान की जय। तब वराह भगवान पानी में छलांग लगाया और पृथ्वी को उधार करके इसकी धूली पर स्थापना कर दी। फिर श्री मनु महाराज जी ने दधि स्मृति नाम के एक राज्य को स्थापना करते हुए फिर धीरे 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 उन्होंने ये सृष्टि का क्रम बढ़ाया। सर्वप्रथम उन्होंने उत्थान पात और प्रिय व्रत आकृति देहूति और प्रसूति ये पांच संतान को सृष्टि करते हैं। अभी जो कर्दम ऋषि की कठोर तपस्या कर रहे हैं अभी भगवान तपस्या से संतुष्ट होकर के प्रकट हुए। पहले बताओ तुम्हें क्या चाहिए। बोले प्रभु आपकी चरण में हमें अचला भक्ति प्राप्ति हो। बोले तथास्तु। बोले बताओ और क्या चाहिए।
बोले प्रभु मेरे मन में तो कोई संसार की वासना है ही नहीं, लेकिन भगवान का निर्देश है कि ये संसार का क्रम बढ़ते रहे, इसलिए भगवान की इच्छा जान करके हम तो घर गृहस्थ करेंगे, लेकिन दो शर्त है। बोले बताओ क्या शर्त है? बोले पहला शर्त है अगर आप मेरे बेटे बन करके आओगे ना, फिर मैं शादी शुदा करूंगा। बोले ठीक है, मैं बेटा बन करके आऊंगा। बोले दूसरी शर्त, बोले तब तक ही घर गृहस्थ में रहूंगा जब तक मेरे संतान नहीं हो जाए, फिर मैं अपना भजन करने के लिए चले जाऊं। बोले कोई बात नहीं, उनका आशीर्वाद देती है। फिर श्री कर्दम ऋषि की माता देवती को साथ में उनकी शादी होती, शादी होने पर उसको बाद में कर्दम ऋषि संसार में व्यस्त नहीं हो गए, उसको बाद में फिर श्री कर्दम ऋषि भजन में बैठ गए और माता देवती अपना पति की सेवा कर रहे थे। अभी पति भोजन नहीं कर रहे, फिर पत्नी भोजन कैसे करे? अगर उन्होंने 10 साल तक भजन करते रहे, जब उसको बाद में उनकी आंख खुली, देखा सामने एक बुढ़िया बैठी थी, लेकिन उन्होंने ये भी भूल गए मैंने कभी शादी की है, उन्हें ये भी भूल गए। और उसको जो केस है ना, एकदम जटाजट हो गया उसकी केस। बोले तुम कौन हो? बोले आपने कभी शादी किया था, आपको याद है? बोले ओ तू वही देवती, और ये आकृति देवती प्रसूति जो 3 बेटियां थी वो इतने सुंदरी ये 3 बेटियां थी, जब ये अपना आंगन में खेलती थी देवता लोग भी जिनकी सुंदरता को देख करके बेहोश हो जाते, मतलब इतने सुंदर ये लड़कियां थी, लेकिन अपने पति की सेवा करते 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 एकदम बूढ़ी हो गई और केस में जटाजट खा गया। क्योंकि देखो पहले जो माताएं होती थी ना, आपको पता होगा पहले माताएं श्रृंगार कब करती थी? तभी करती थी जब पति को सामने, पहले ऐसे नहीं श्रृंगार करती थी। शादी से पहले कोई लड़की अच्छे श्रृंगार नहीं करती तो शादी नहीं हुई। और अक्सर करके हमने देखा माताएं तभी श्रृंगार करती थी, सवेरे नहीं श्रृंगार करती थी, शाम को करती थी। बोले क्यों? बोले दिन भर पति काम में गए, पति दिन भर काम में गए और शाम को वापस आएगा पति, तब भी पत्नियां श्रृंगार करती थी, क्योंकि अपना पति व्रत धर्म थी ना, इसलिए सवेरे श्रृंगार नहीं करती थी। और अभी भी पति भजन में बैठे हुए, जब भजन में बैठ गए पति, पर वो श्रृंगार कर किसको दिखाई? दिखाना तो पति गए ना, इसलिए उसने बाल को केस को उन्हें संभाला ही नहीं। ऐसे करते करते उनका जो केस है ना एकदम जटाजट हो गया। हाँ? देखो पति की सेवा करने में कितनी शक्ति देखो ये चीज को। बोले तुम क्या चाहती हो? बोले आपने शादी क्यों किया था? भगवान से मांगा था ना, अगर आप बेटे बन करके आओगे भजन करोगे शादी करूंगा। बोले हाँ, इसलिए भगवान को तो बोले संतान प्रार्थना चाहिए। बोले ठीक है जा, ये बिंदु सरोवर में स्नान कर। जब उसने बिंदु सरोवर में स्नान करके जब निकली है ना, पहले जितने सुंदर थे उससे और सुंदर ज्यादा बन गए। हजार दास दासियां वहां से प्रकट हुई और उन्होंने अपना मन से एक विमान प्रकट किया जिसका नाम था कामक विमान। इतना बड़ी विमान थी, हाँ, इतने बड़ी विमान, कितने क्रोश तक लंबाई चौड़ाई, जिसमें सुंदर राजमहल है, जिसमें सुंदर सरोवर है, जिसमें सुंदर हंस क्रीड़ा कर रहे हैं, सुंदर सुंदर कमल फूल खिले हुए, सुंदर सुंदर फूल फल, सुंदर सुंदर कोयल, सुंदर सुंदर उसमें मयूर के का कर रहे हैं सबके सब है। इसलिए और जिस विमान में बैठने पर कोई बूढ़ा नहीं होगा और कोई बूढ़ी नहीं होगी, कभी तुम्हें भूख ही नहीं लगेगी, ऐसे वो इतने बड़े विमान थी। अभी उन्होंने पति पत्नी दोनों बैठे और आकाश में भ्रमण करते रहे। भ्रमण करते करते उनको बड़ी सुंदर सुंदर नाट उनको कन्या कर्दम ऋषि बोले देवती अभी तो तू प्रसन्न हो गई ना, क्योंकि तेरे को 9-9 बेटी हो गई। बोले नहीं, बेटियां तो शादी करके अपना अपना ससुर घर में चली जाएगी, जब चली जाएगी फिर मेरे पास में कौन रहेगा? अभी तो भगवान
बच्चे बनकर कभी भगवान आई नहीं, तो माता देवती बड़ी सावधानी से उन्होंने पति की सेवा की। पति को सेवा की तो भगवान स्वयं श्री कपिल मुनि रूप में भगवान जन्म लेते हैं। बोले श्री कपिल भगवान की जय, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। लेकिन उन्होंने भगवान से प्रार्थना की थी कि ठाकुर जी तब तक इसी संसार में रहूंगा, कब तक? बोले जब तक घर में संतान नहीं हो जाए। अभी घर में बच्चे हो गए, अभी घर में 9 बेटी और 1 बेटा हो गए। जब बेटा हो गए अभी भजन करने के लिए चले जाएंगे। लेकिन नियम है जब घर में तुम्हारी बेटी जन्म होना पिता माता का पहला कर्तव्य है, बेटी को पहले शादी करना, ये सबसे हमारी पहला कर्तव्य है। अपना घर में बेटी को शादी करवाए होंगे, देखना जो एक बेटी की शादी करवाओगे ना घर खाली हो जाता है, इतने पैसा उसमें खर्चा होता है। और इनके पास में कितना बेटियां हैं, कितना बेटियां हैं? 9 बेटियां हैं। तब समझो कि 9 बेटियों को शादी करने कितने कष्ट होगा। नहीं, यहाँ पर एक शिक्षा देते हैं, अगर तुम्हारी मन में निष्कपट रूप में भक्ति करने की इच्छा होगा ना, ठाकुर जी स्वयं व्यवस्था करते हैं। नरसिंह भगत का नाम सुने होंगे, ये दिन भर प्रभु का भजन करता था, लेकिन घर में बेटी है, अब ये शादी के लायक ही होगी तो बेटी को शादी क्यों करवाएगा? नरसिंह भगत दिन भर प्रभु की भजन में, कीर्तन में, प्रभु की पाठ में, दिन भर प्रभु की भजन में मस्त है। इसलिए कृष्ण गीता में एक श्लोक कहते हैं, बोले अनन्नश्चिन्तयन्त मां जे जनाः परजुपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगाक्षरं वहाम्यहम्। कृष्ण अर्जुन को कहते हैं, अर्जुन जो व्यक्ति हर समय मेरे भजन में डूबा हुआ रहता है, हर समय मेरे चिंता मेरी भक्ति पूजा पाठ करता है, उसके लिए मैं 2 काम करता हूँ। कृष्ण खुद कहते हैं, बोले 2 काम क्या करते हैं? बोले पहला काम करते हैं, अगर उसको घर में कुछ नहीं होना, कृष्ण कहते मैं सर पर रख करके घर में पहुंच जाता, क्योंकि दिन भर मेरी भक्ति पूजा पाठ कर रहा है। दूसरा काम क्या करते हैं? बोले उसकी घर में अगर कोई चीज हो, मैं एक चौकीदार बन करके उसको मैं रखवा देता हूँ। कृष्ण स्वयं कहती है, आप भगवान की भजन करके देखो, सही सही करते ना, करते हो तुम कन्हैया मेरा नाम हो रहा है, और तेरी कृपा से सारे काम हो रहा है। सचमुच से जब भगवान की भक्ति करोगे ना, भगवान को सारे काम भगवान को करना पड़ जाती है। अभी घर में 9 बेटी, अभी 9 बेटी की शादी कैसे होगी? अब ये तो सन्यासी बन करके जाने वाले हैं। एक दिन ब्रह्मा जी, उनको तो 10 बेटे थे, नारद जी को बचपन से बैराग्य, उनको जो और जो 9 बेटे थे, एक दिन ब्रह्मा जी अपना 9 बेटे को साथ में कल्पक ऋषि को पास में आए, और इनका 9 बेटे और इनकी 9 बेटियां। बोले भैया जोड़ी तो बड़ी प्यारी है, 9 बेटे और 9 बेटियां, और दोनों शादी के लायक है, बोले एक साथ में इनको शादी करा दो। तो उन्होंने एक साथ में 9 बेटियों को शादी करवा देते हैं और पूरा घर खाली हो जाता है। अब घर में 3 व्यक्ति रुके, कर्दम ऋषि, बोले मैं जा रहा हूँ भजन करने के लिए। तब से कर्दम ऋषि प्रभु की भक्ति करने के लिए घर से निकल जाते हैं। तो यहाँ प्रश्न आता है, बोले भैया तो भजन करने के लिए किसकी जा रहे हो? बोले भगवान को। बोले भगवान तो तेरे घर में ही, भगवान जो कपिल मुनि कौन है? भगवान है। बोले घर में तो तेरे भगवान है, तो फिर बाहर क्यों जा रहे हो? हाँ, यहाँ पर शिक्षा देते हैं, जब तक हम भगवान की भक्ति नहीं करेंगे ना, साधन नहीं करेंगे, तब तक भगवत प्राप्ति नहीं होता है। अगर बगैर भक्ति के अगर भगवान हमें दर्शन भी दे दिए, कहते हमारा कोई लाभ नहीं होने वाला। उदाहरण देते हैं, जैसे रावण, आप लोगों ने सब रावण का नाम सुने हो? कौन कौन सुने हो? सब सुने हो ना, जानते हो। ये बता, रावण ने राम को दर्शन किया कि नहीं किया? किया था ना, लेकिन उसने राम के साथ में क्या किया बताओ?
माँ सीता को उठा कर ले गया और क्या किया, रावण के साथ में राम के साथ में रावण ने युद्ध किया। युद्ध किया कि नहीं? तो भैया भगवान को दर्शन करने से जीव की भव बंधन नष्ट हो जाता है, लेकिन उन्होंने युद्ध कैसे फिर किया भगवान के साथ? फिर मेघनाद ने लक्ष्मण के ऊपर में शक्ति शैल प्रहार किया है, फिर नागभास बंधन में भगवान राम लक्ष्मण को उन्होंने बांध दिया, फिर इसकी हृदय क्यों परिवर्तन नहीं हुआ? कंस ने कृष्ण को देखा, जिंदगी भर कृष्ण को मारने के लिए कोशिश की, फिर भगवान को दर्शन करते हुए इनके मन में परिवर्तन क्यों नहीं आया? इसमें शिक्षा देते ही, अगर तुम्हारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेम नहीं है, अगर भगवान तुम्हें दर्शन भी दे देना कभी उसमें तुम्हारे लाभ होने वाले नहीं है। इसलिए क्या करनी चाहिए? भगवान की भक्ति करनी चाहिए, ठीक है ना? हमारे पीछे पीछे कीर्तन करो। बोले गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय गोविंद जय जय गोपाल जय 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 माता देवती की भव बंधन से उसकी मुक्ति हो गई।
हम लोग भी सुना कि क्या भगवान कहते हैं, भगवान एव मनुष्याना कारण बंधम सेव। बोले माँ हमारी 11 इंद्रिया है, कितना इंद्रिया है 11, कहते पांच कर्म इंद्रिया और पांच ज्ञान इंद्रिया। ज्ञान इंद्रिया मतलब इस चक्षु कर्ण नासिका जिह्वा त्वचा, ये पांच ज्ञान इंद्रिया मतलब जिसको द्वारा हम ज्ञान को आहरण करते हैं, और पांच ये कर्म इंद्रिया मतलब इसको हम ये कर्म करते हैं। कहते इनका राजा कौन है, मन। इनका राजा कौन है, ये मन। जैसे मन ने कहा चलो भागो कथा हो रही है, चलो कथा सुन कर कहा है, फिर सारी इंद्रिया क्या किया, घर से चल करके यहाँ तक आया। अगर मन बोलता है क्या जरूरत कथा सुन के, घर में टीवी देख कर देख लो ना, आज बहुत क्या सही आदत है, घर में बैठकर टीवी देख लो, घूम लो, बात कर लो, अरे क्या जरूरत, क्या पता बताओ। अब इंद्रिया यहाँ पर आती तो घर बैठ गए। ये भगवान कहते बोले माँ ये जो मन है, ये सारी इंद्रियों का राजा ये मन है, और यही मन ही बंधन का कारण है, और ये मन ही मुक्ति के कारण है। आप लोग घर में ताला बंद करते हो, ताला बंद करते हो, देखना चाबी एक है, जब एक चाबी को आप उल्टा घुमाओ देखना ये चाबी बंद हो जाती है, जब ये चाबी को आप सीधा घुमाओ तो आप ताला खुल जाती है। भगवान कहते हैं ये मन एक है, एक मन से ही जीव को बंधन का कारण प्राप्त होती है, और एक मन से जीव मुक्ति का कारण बनता है। जब ये मन को हम उल्टा काम में लगा दे, विषय लगा दे, ये माया में ये मन को लगा दे, फिर क्या होता है, ये बंधन का कारण हो जाती है। लेकिन इसी मन को जब प्रभु की भक्ति में लगा दो, प्रभु की भजन में लगा दो, फिर क्या होगा, ये मन मुक्ति का कारण है। इसलिए माँ ये मन को तो भगवान के चरण में लगाओ। इतने में माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तू तो बोल दिया मन को तुम भजन में लगाओ। कहते ना राधे तेरी चरणों की, श्यामा तेरी चरणों की, ब्रज धूल जमी जाए। कहते ना ये मन बड़ा चंचल है, कैसे तेरा भजन। अर्जुन स्वयं कहते हैं कृष्ण को, बोले कृष्ण तो कहते हो ये मन को भजन में लगाओ, लेकिन मन इतने चंचल है, मन इतने चंचल है, देखा ये मन जैसे यहाँ बैठे हो ना, शरीर मन हमारा नहीं करना है बेटा, तो एक सेकंड में देखना, एक मिनट में ये मन पूरा दुनिया को कंट्रोल करना आसान है, ये मन को कंट्रोल करना आसान नहीं, ये मन बड़ा चंचल है। मन बल्कि चंचल मन को हम भगवान की भजन के सजेंगे, मन को है भगवान के लिए। बोले माँ अगर मन को प्रभु में लगाना चाहते हो ना, कि सबसे एक सरल उपाय है, बोले उपाय क्या है, बस सदांग प्रसंगात करते हो, अगर यहाँ आकर शुरू कर दो गया।
उदाहरण लाकर देखो, इसके बाद कहते हैं माँ के संत के संग लागे तेरी अच्छी बनेगी, क्योंकि तुम संतों का संग करो, इसलिए संतों का संग करोगे तो उसे जो मेरी कथा होती है वो बड़ी बलवान कथा है, और वो कथा श्रवण करोगे हैं धीरे 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 कथा सुनते ही मैं धीरे साधु संत होगे तुम मिलेगा क्या, बोले तुम पांच चीजें मिलेगी, बोले आपा वर्ग वर्ग मनी कृपा वर्ग कृपा और उमा के तुम्हें पांच चीज मिलने लग जाएगी, बोले प में प्रश्न, ह में भय, बोले ब में व्यथा, बोले भ में बोले भय, बोले मा में कहती, जो पांच चीज साधु संग करोगे हमारी पांच चीज नष्ट हो जाएगी, मतलब मृत्यु नहीं होगी, संसारी भय खत्म हो जाएगी, जो परिश्रम सारा संसार में कर दो परिश्रम भी तुम्हारी सार्थकता हो जाएगी, ये साधु संग से है। इसलिए माँ केवल भगवत प्राप्ति करने का एक ही उपाय है, तो मेरे भक्तों का तुम संग करो, मेरी कथा सुनते रहो, आप देखना भगवत जिसकी कथा हो ना मन हमारी सुनने लगता, जिसकी कथा सुनो, इसलिए केवल भगवत का संग करो। फिर माँ प्रश्न करती है, बोले बेटा तुमने बोल दिया मेरे भक्तों का संग करो उससे ही कल्याण होगा, लेकिन हमारे भक्त का कुछ लक्षण तो बताओ, हमें पता कैसे चलेगा हमारी भक्त है कि नहीं। देखो ठाकुर जी अपना संतों का लक्षण भी बता रहे, मेरे भक्त क्या क्या लक्षण है, क्योंकि कभी कभी हम लोग ना भ्रमित हो जाते हैं, इसी से हम किसी के अंदर में बैठे नहीं होते, ये करता क्या नहीं करता, हम ऊपर का जो ड्रेस देखते हम इसको साधु मान लेते हैं, इसलिए यहाँ पर भगवान साधु का लक्षण सबसे सब बता रहे हैं कि साधु का दो लक्षण है, कहते उनका बाहर लक्षण है और उनका भीतर का लक्षण है, बोले बाहर का कितना लक्षण है, बोले 25 लक्षण उनकी बाहर, कहते अंदर का लक्षण, बोले एक लक्षण, एक अंदर का एक लक्षण है असल है और उनका बाहर का 25 लक्षण है, और ठाकुर जी क्या क्या लक्षण सुधार रहे हम भी सुन लेंगे, बोले तिथि सरकारोनी का श्रोही चरण में गिर गए, बोले बाबा आपको आज हम क्रोध दिलाना चाहते
ਕਰਕੇ ਆਪਣਾ ਸਿਰ ਉੱਪਰ ਸਭ ਆਦਮੀ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਡਾਲ ਦਿਆ ਲੇਕਿਨ ਆਪਣੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾ ਦੇਖੋ ਕੀ ਆ ਗਿਆ ਨੇ ਕਿ ਤੁਮਹਾਰੀ ਜੈਸੇ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਉਪਕਾਰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬੋਲੇ ਕਿਉਂ ਮੈਂ ਰੋਮ ਨੇ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਵਾਰ ਸਨਾਨ ਕਰਦਾ ਥਾ ਕਿਤਾ ਸਨਾਨ ਕਰਦਾ ਥਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਮੈਂ ਗੰਗਾ ਮੈਂ ਸਨਾਨ ਕਰਦਾ ਥਾ ਲੇਕਿਨ ਤੇਰੀ ਵਜ੍ਹਾ ਸੇ ਨਾ ਆਜ ਕਿਤਨਾ ਵਾਰ ਸਨਾਨ ਕਰਿਆ ਸਭ ਵਾਰ ਸਨਾਨ ਕਰਿਆ ਇਸ ਲਈ ਯਹਾਂ ਪਰ ਕਹਿਣਾ ਸਾਧੂ भक्ति कुर्बन्ति च दृढ़ां
फिर उनका एक अंदर का लक्षण है मई अनन्न न भावना, कहते मुझे अनन्न, अनन्न मतलब ना अन्न और किसी को नहीं, वो एक मन से मेरी भजन करता है। इसलिए कृष्ण गीता में जो सर्वश्रेष्ठ उपदेश दिया है, बल मन मना भव, अपना मन को केवल मेरे चरण में देता है। मद भक्त भव, भक्ति केवल मेरी करता है। माम जाजी, पूजा मेरी करता है और मेरे चरण में अपना तन मन सब कुछ मेरे चरण में दे देता है। उनका ये एक विशेष लक्षण है। इसलिए कल हमने सुनाया था, जैसे एक पतिव्रता नारी अपना पति के चरण में ही तन मन सब कुछ दे देती है, कि जो भक्ति है ना, कहते एक पतिव्रता स्त्री की धर्म है, भक्ति धर्म है। इसलिए सबका सम्मान करो, लेकिन हृदय में किसको बैठाओ? भगवान कृष्ण को। भगवान हृदय में भगवान कृष्ण को बैठानी चाहिए। बोले श्री कृष्ण कन्हैयाला की जय। जय श्री राम। जय जय श्री राम। जय जय श्री राम। तब भगवान ने जीव का सृष्टि के रूप में वर्णन किया। बोले मां, जब कोई जीव शरीर त्याग करता है, शरीर त्यागने का बाद उसको जमपुरी ले जाते हैं। हमारे भारत में देखना इसलिए आप देखना, जब कोई शरीर छोड़ता है, आप सुने होंगे एक गरुड़ पुराण, आपके यहाँ आए थे पढ़ते ना गरुड़ पुराण। ये गरुड़ पुराण में बड़ा सुंदर इसमें बात बताया है, ये 13 दिन बाद में हम क्यों शुद्ध होते हैं। कहते मरने का बाद जीव को जपलू धुआ करके गले में काल पास को डाल करके उसको गर्म रेतियों को ऊपर में घसटते घसटते ले आते, और रास्ता में कुत्ते सियार उसको मांस को नोच नोच कर खाते हैं। उसको एक वैतरणी नदी पार करना पड़ता है बीच में, जिसको पार होने के लिए उसको 13 दिन लगता है। वो नदी कैसे है? जो केवल पी खूब टाटी और पेशाब का नदी होती है। अब ले जाते हैं इसमें उसको पीठ के ऊपर फोड़े मारते मारते उसको ले जाते हैं। इसलिए आप सुनते होंगे जब कोई मरता है ना, कहते भैया पर गया, बोले क्यों? वो जो नदी पार होना पड़ता है, वो जल्दी जल्दी वो नदी को पार हो जाता है। उसको बाद में फिर 84 नरक है। वो जैसे जैसे कर्म करता है, फिर वो 84 नरक में वो कर्म का फल जीव को भुगतना पड़ता है। जब वो भुगतना हो जाता है, फिर जीव को फिर भेज देते हैं चंद्रलोक, भेज देते हैं चंद्रलोक। भेजने पर फिर वो चंद्रलोक से ये चंद्र का किरण को माध्यम करके किसी फल को कोई आश्रय ग्रहण करता है। इसलिए हम कहते हैं ना, दाने दाने में उसके बाद में क्या है? खाने वाले का नाम लिखा हुआ है। कहते ये बात एकदम सही है। ये भगवान स्वयं कहते हैं, दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा हुआ है। अब जिसकी भाग्य में जो फल लिखा हुआ होगा, वो वही फल को ही वो खाता है। देखो अब तुम छोटी सी कहानी सुनाता हूँ। बल एक समय दो व्यक्ति थे, एक तो खूब नास्तिक, भगवान भगवान कुछ नहीं मानता था, और एक व्यक्ति आस्तिक, मतलब भगवान के ऊपर बड़ा विश्वास था। जो भगवान को मानता था, जो नहीं मानता था, बोलते दाने दाने में खाने वालों का नाम लिखा है। उसने कहा, अगर मैं नहीं खाऊंगा तो मेरे मुंह में क्या क्या ठोस ठोस करके खिला देगा? बोले देख, अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा, तेरे को खाना पड़ेगा। उसने क्या किया? जो नहीं मानता था, बोले ठीक है मैं देखता हूँ, अगर मैं किसी पेड़ के ऊपर चढ़ करके बैठ जाऊं, मैं खाना नहीं खाऊं, क्या मेरे को कोई खिला देगा? बोले देख, अगर तेरे भाग्य में लिखा हुआ होगा ना, तेरे खाना ही पड़ेगा। उसने क्या किया कि नदी बह रही थी, वहां पर एक पेड़ के ऊपर में जाकर सीधा बैठ गया। बोले मैं देखता हूँ मेरे को कौन खाना खिलाता है। दो सेठ सेठानी वो नदी में स्नान करके भोजन करने के लिए आए, और बड़े सुंदर प्योर घी के पूरी सब्जी हलवा बना करके लाए थे, और वो जिस पेड़ के ऊपर बैठा हुआ था, इनको पता नहीं, उन्होंने उसी पेड़ में उसको टांग करके रख दिया। बोले स्नान करके फिर हम भोजन करके यहाँ से चले।
शरीर काम पड़ गया और जो पति पत्नी थे वो भोजन करना भूल गए और मां को छोड़ करके चले गए। ये बच्चों को देखा करती आप परिवार मेरे को बता लिया कोई किसी का है नहीं
एक बार केवल चांस दो, ये पेट से निकाल दो। मैं प्रतिज्ञा करता हूँ, उठते बैठते सोते नाम लूंगा, कभी ये झूठा संसार में नहीं होगा, केवल तेरा भजन करूंगा। इसलिए गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, आए थे हरि भजन को ओटन लगे तो पा। जीवन भगवान की दिया हरि गृहस्थी के लिए, लेकिन ये जीवन केवल उनकी भजन के लिए मिला है। लेकिन इधर आकर के जो काम के लिए आए थे ना, उसको तो पीछे रख दिए, और जो काम के लिए नहीं आए थे तो वही काम लगे, उसी काम लग पड़े। इसलिए देखना जब शरीर को छोड़े ना, हमारे भारत की संस्कृति है, वो यही बोलते हैं, राम नाम सत्य है, गोपाल नाम सत्य है, सत्य बोला गत्य है, और सब कोई वाह झूठा है। सब बेटा जिसने प्रभु का भजन किया तेरे साथ में वही आ रहा है, इसके अलावा तो जितने जो कुछ किए हो सब झूठ में बिताया, अभी तेरे साथ में यहाँ से कुछ भी नहीं जा रहा है, एक सुई धागा भी तेरे साथ में नहीं जा रही। इसलिए भगवान के बाप ये समय रहते, ये समय रहते क्या करने चाहिए, बोले भगवान की भजन हम करने चाहिए। एक बार हाथ कर लो, बोले हरे कृष्ण चले कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम हरे राम 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 हरे हरे। कर लो बोले हरे कृष्ण 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 हरे मानो समंदर बाबा।
ये देव लोग में भोग होता है, ये देव लोग में भी होता है। मानव शरीर क्या मतलब है कि 84 लक्ष जन्म ये मानव जन्म के साथ और किसी जीवन में प्रभु भक्ति नहीं कर सकते। ये 84 लक्ष जमीन केवल एक जीवा में मिली है जो जीवा संवान के नाम है, केवल दो कान मिला है जिससे भगवान कथा सुन सकते, केवल दो ही आंख मिली है जिससे ठाकुर जी को हम दर्शन कर सकते, केवल दो प्याला है जो घर से लेकर यहाँ तक आप सत्संग में आए। देखो ये जीवन कितने दुर्लभ, जैसे यहाँ भागवत कथा हुई, अगर कोई ईश्वर सोचे भैया अंदर तो भगवान की कथा हो रही है तो मेज में बैठ कर कथा सुन, अगर एक ईश्वर ये गेट तक आ जाएगा ना फिर क्या करोगे, अब डंडे लेकर तुम मारने दौड़ोगे। इसका मतलब है ये सत्संग बैठने के लिए ना ये मानव जन्म की सीमा है, कोई आ रहे हैं यहाँ बैठ ही नहीं सकता, कोई बैठ सकता है यहाँ पर। भगवान कहते हैं अयोध्या वासी राम समझाते हैं बच्चों ये मानव शरीर नहीं, ये 84 लक्ष और मोक्ष करे द्वारा, ये मानव शरीर नहीं ये मुक्ति की धरा जाकर